أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. صدق الله العظيم. चौबीसवें पारे में सूरह मोमिन की आयात 47 से 50 तक पढ़ी गई। तर्जुमा है, और जब आपस में झगड़ेंगे आग के अंदर, फिर कहेंगे कमजोर गुरूर करने वालों को, हम थे तुम्हारे ताबे, फिर कुछ तुम हम पर से उठा लोगे हिस्सा आग का। कहेंगे जो गुरूर करते थे हम सब ही पड़े हुए हैं इसमें, बेशक अल्लाह ताला फैसला कर चुका बंदों में। और कहेंगे जो लोग पड़े हैं आग में दोज़ख़ के दारोगों को, मांगो अपने रब से कि हम पर हल्का कर दे एक दिन थोड़ा अज़ाब। वो बोले क्या ना आते थे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल खुली निशानियां लेकर? कहेंगे क्यों नहीं? बोले फिर पुकारो, और कुछ नहीं काफिरों का पुकारना मगर भटकना। और वो वक्त भी पेश नजर रखने के काबिल है जबकि कुफार दोज़ख़ में एक दूसरे से झगड़ेंगे, तो अदना दर्जे के लोग यानि ताबईन बड़े दर्जे के लोगों से यानि मतबूईन से, जिनका वो दुनिया में इत्तेबा किया करते थे, कहेंगे कि हम दुनिया में तुम्हारे ताबे थे, क्या तुम हमसे आग का कोई जुज हटा सकते हो? यानि जब दुनिया में
तुमने हमें अपना ताबे और पैरू बना रखा था, तो आज तुम्हें हमारी मदद करना चाहिए। वो बड़े लोग कहेंगे कि हम सब ही दोजख में हैं, यानी हम अपना ही अजाब कम नहीं कर सकते, तो तुम्हारा क्या करेंगे? अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान कतई फैसला कर चुका, अब उसके खिलाफ करने की किसी को मजाल नहीं। और इसके बाद जितने लोग दोजख में होंगे, यानी बड़े और छोटे, ताबे और मतबू, सब मिलकर जहन्नम के मौकिल फरिश्तों से दरख्वास्त के तौर पर कहेंगे कि तुम ही अपने परवरदिगार से दुआ करो कि किसी दिन तो हमसे अजाब हल्का कर दिया जाए, यानी अजाब के बिल्कुल हट जाने या हमेशा के लिए कम हो जाने की उम्मीद तो नहीं, कम अज कम एक रोज की तो कुछ छुट्टी मिल जाया करे। फरिश्ते कहेंगे कि ये बदलाओ, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर मोजजात लेकर नहीं आते रहे और दोजख से बचने का तरीका नहीं बतलाते रहे थे? दोजखी कहेंगे कि हाँ आते तो रहे थे, मगर हमने उनका कहना न माना। बला खुद जाना नजीर फकजबना। फरिश्ते कहेंगे तो फिर हम तुम्हारे लिए दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि काफिरों के लिए दुआ करने की हमको इजाजत नहीं। तुम ही अगर जी चाहे तो खुद दुआ कर लो, और तुम्हारी दुआ का भी कुछ नतीजा न होगा, क्योंकि काफिरों की दुआ आखिरत में महज बेअसर है, क्योंकि आखिरत में कोई दुआ बगैर ईमान के कबूल नहीं हो सकती, और ईमान का मौका दुनिया ही में था, वो तुम खो चुके हो। और ये जो कहा कि आखिरत में इससे फायदा ये है कि दुनिया में तो काफिरों की दुआ भी कबूल हो सकती है, जैसा कि सबसे बड़े काफिर इबलीस की सबसे बड़ी दुआ कयामत तक जिंदा रहने की कबूल कर ली गई। सूरह मोमिन की आयात का तसलसल गुज़िश्ता आयात से है, जिसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की दावत का वो हाल बयान किया गया था जब वो फिरौन के दरबार में आए और फिरौन को तौहीद की दावत दी, तो फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा कहा और अपने गुरूर और तकब्बुर का इजहार उसने इसलिए इस तरह से किया था कि अपने वजीर को बुलाकर कहा कि एक ऊंची इमारत बनाओ और मैं उस इमारत के ऊपर चढ़कर मूसा के खुदा को देख लूं। खैर, वो इमारत बनाई गई या नहीं बनाई गई इसमें मुख्तलिफ अकवाल हैं, लेकिन इस वाक़े को अल्लाह ताला ने इन आयात में जो जिक्र किया है उसमें ये बात बताई गई है कि वो बड़ा मुतकब्बिर था, गुरूर था उसको अपनी बादशाहत पर, अपनी बड़ाई पर उसको बड़ा गर्रा था, इसलिए उसने इतनी बड़ी बात कही। और ये बात भी उसने किसके सामने कही, किसकी मुखालिफत में कही? मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़्म पैगंबर, जिनको अल्लाह ताला ने खुली निशानियां देकर फिरौन के पास भेजा और उन्होंने अपनी मोजिजात, अपनी निशानियां फिरौन को दिखलाई, पहले तो फिरौन ने उन निशानियों का इनकार किया, फिर उन निशानियों को जादूगरी कहा, ये जादू का असर है कि लकड़ी सांप बन रही है, हाथ में से रोशनी निकल रही है, और उसने अपने जादूगरों से मुकाबला भी करवाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि ये तुम जो कुछ कह रहे हो ये बात मुझे सच्ची नजर नहीं आ रही है, मैं समझता हूं कि तुम बड़े झूठे हो और तुम्हारे झूठ का मैं इस तरह से पोल खोलने की कोशिश करूंगा कि ऊंची इमारत बनवाऊंगा, और तुम जिस खुदा के बारे में कह रहे हो मैं चाहता हूं कि आसमानों के ऊपर अगर तुम्हारा खुदा है तो एक ऊंची इमारत बनवाकर उसके ऊपर चढ़ के मैं तुम्हारे खुदा को देखना चाहता हूं। ये जो मुतकब्बिराना अल्फाज थे फिरौन के, ये सुनने के बाद फिरौन के दरबार में एक शख्स था जो उसका दरबारी भी था, और बताया गया है कि वो फिरौन का चचेरा भाई था, वो ईमान ला चुका था, और वक्तन फोक्तन जब भी फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई साजिश करता तो ये आदमी जो ईमान लाया हुआ था लेकिन अपने ईमान को छुपा कर रखा था, वो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के मंसूबे और साजिशों के बारे में बतला दिया करता था। जब ये गुफ्तगू फिरौन और मूसा अलैहिस्सलाम की हुई तो उस वक्त वो भी दरबार में मौजूद था, उससे रहा नहीं गया,
और वो शख्स उठा जिसको कुरान मजीद ने यहाँ पर रजुल मुकमिन के नाम से याद किया है, और उस शख्स ने एक बड़ी तवील तकरीर की और उसने फिरौन और उसके कौम को अल्लाह के अजाब से डराया। और फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहां तक भी कह दिया कि मैं तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो ये शख्स उठकर कहने लगा कि यकतुम ईमानहु अतकुलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल कर देना चाहते हो जिसका कसूर यह है कि वो अपने रब को पुकारता है और कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। सिर्फ अपना रब अल्लाह कहकर पुकारने के नतीजे में क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल कर देना चाहते हो? फिर उसके बाद उस शख्स ने कहा कि देखो, ये शख्स अपने रब के पास से खुली निशानियां लेकर आया है, और अगर जैसा कि तुम्हारा दावा है ये झूठा है तो फिर इसके झूठ का वबाल इसी के ऊपर पड़ेगा, लेकिन अगर ये सच्चा है तो फिर तुम झूठे साबित होगे, और तुम जो गुस्ताखी इस शख्स के साथ कर रहे हो उसके नतीजे में अल्लाह का अज़ाब तुमको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। और देखो, तुम मूसा को झूठा कह रहे हो हालांकि दरअसल तुम खुद झूठे हो। इस तरह से उस शख्स ने काफी तवील तकरीर की, और उस शख्स की तकरीर सूरह मोमिन की इन आयात में दो रुकू तक फैली हुई है। अब ये सारी तकरीर और फिर उस शख्स की जानिब से भी फिरौन और उसकी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराए जाने का तफसीली वाकया अल्लाह ताला ने इन आयात में नकल किया, और फिर उसके बाद क़ियामत के वो मनाज़िर भी हमारे सामने आए। एक जगह कुरान मजीद ने क़ियामत को यौमुत तनाज कहा है, इसी सूरह मोमिन की आयात, जिसमें आवाजें लगाई जाएंगी, लोग हैबत के मारे आवाजें करेंगे, या सूर के फूकने की आवाजें होंगी, या लोगों के भाग दौड़ करने की आवाजें होंगी, या जमीन और आसमान चांद और सितारों के आपस में टकरा जाने की आवाजें होंगी, या मुख्तलिफ वो आवाजें होंगी जिसके जरिए से गुनाहगारों को पुकारा जाएगा, जन्नतियों को पुकारा जाएगा, और उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये 50,000 साल का जो दिन होगा कियामत का, इन 50,000 सालों में मुख्तलिफ वाकियात होंगे, मुख्तलिफ अहवाल पेश आएंगे, उसकी बड़ी तफसीलात कुरान और हदीस में जगह जगह बिखरी हुई हमको मिलती। गर्ज ये कि यह मामला भी पूरा हो चुका होगा और जहन्नमी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, जन्नती जन्नत में पहुंचा दिए जाएंगे। आज जो आयात सूरह मोमिन की हमने पढ़ी हैं 47 से 50 तक, इनमें जहन्नमियों का एक खास हाल बयान किया गया है। यूं तो कुरान मजीद में जन्नत और जहन्नम के लोगों के मुख्तलिफ अहवाल अलग अलग जगह बयान किए गए हैं। कभी जहन्नमी आपस में एक दूसरे से लड़ेंगे, कभी जन्नतियों और जहन्नमियों के दरमियान में गुफ्तगू होगी, कभी हाल यह होगा कि कुछ लोग जो अभी अपने फैसले का इंतजार करेंगे, ना उनको जन्नत का फैसला होगा ना जहन्नम का फैसला होगा, और कुछ दिनों तक उनको आराफ में रखा जाएगा, वो अस्हाबे आराफ होंगे। आराफ वो मुकाम होगा जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान में होगा। जो लोग आराफ के ऊपर होंगे वो एक तरफ जन्नतियों को भी देखेंगे, दूसरी तरफ जहन्नमियों को भी देखेंगे। जब वो जहन्नमियों को देखेंगे तो जहन्नम के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगेंगे, और जब जन्नतियों को देखेंगे तो आरजू और दुआ करेंगे कि अल्लाह हमको भी जन्नत में पहुंचा दी। वक्त गुजरने के बाद अल्लाह ताला उनके हक में फैसला करेंगे, उनको जहन्नम से नजात देंगे, जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये भी एक हाल बयान के, कभी ये बयान किया गया कि जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे कि अरे तुम लोग जहन्नम में क्यों पहुंच गए, तुम्हारा क्या कसूर था? तो कहेंगे कि हम लोग जो है नमाज नहीं पढ़ा करते, गरीबों को खाना नहीं खिलाया करते। इस तरह से अपने मुख्तलिफ गुनाहों का वो इकरार करेंगे, और ये सारे अहवाल कुरान मजीद में मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ आयात में हमको मिलेंगे। इसी तरह से इन आयात में भी एक हाल बयान किया गया है, वَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ। एक खास मौका ऐसा भी होगा जहन्नम में कि जैसे फिरौन का जिक्र किया गया कि फिरौन अपने मुत्तबईन को
अपनी इत्तेबा करने के लिए मजबूर करता था, अपने आप को खुदा कहता था, अपनी खुदाई का दावा करता था। जो लोग फिरौन को खुदा नहीं मानते थे उनको सख्त तरीन सजाएं देता था, मेखों वाला फिरौन मेखों के जरिए से आजाब देता था, या फिर ये कि उनके मुख्तलिफ सिम्त के हाथ और पैर काट दिया करता था, या फिर ये कि उनके लड़कों को कत्ल कर देता था, लड़कियों को जिंदा रखता था। ये ऐसा मुतकब्बिर ऐसा जालिम बादशाह था और इसके जुल्म सितम की वजह से या अपनी मर्जी से कोई भी वजह हो सकती है लोग इसकी इत्तेबा करते थे। तो ये मुतकब्बिर भी था, उसकी तकब्बुर और गुरूर के मुख्तलिफ बातें जगह जगह हमको मिलती हैं और उन्हीं में यह भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उसने तकब्बुर किया, मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को झुठलाया, मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को झुठलाया और कहा कि ऊंची इमारत बनाई जाए उस पर चढ़ के मैं मूसा के खुदा को देखूं, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देने की कोशिश करने लगा। ये सब उसके तकब्बुर की अलामतें। ये अहवाल ऐसे हैं कि जिसको देखकर आम आदमी डर जाता है, सहम जाता है और उसकी इत्तेबा करने पर मजबूर होता है। ये सारे लोग जब जहन्नम में पहुंच गए और वहां पर ज़ुआफा यानी कमजोर या मुत्तबईन या अवाम लिल्लज़ीन इस्तकबरू अपने मुतकब्बिर कायदीन, चाहे वो बादशाह की सूरत में हो, चाहे वो अपने लीडर की सूरत में हो, चाहे वो गुमराह करने वाले उलमा की सूरत में हो, कोई भी सूरत में हो, जो मुस्तकबिर थे, जो कायदीन थे, जो लीडर्स थे या बादशाह थे और उनकी इत्तबा ये आम लोग किया करते थे, तो ये आम लोगों को ज़ुआफा कहा गया, कमजोर लोग। लिल्लज़ीन इस्तकबरू इस्तकबार करने वाले मगरूर लोग, उनसे कमजोर लोग कहेंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबान, हम तुम्हारे साथ थे, तुम्हारी इत्तबा करते थे, तुमको फॉलो करते थे। पहल अंतुम मुगून अन्ना नसीबम मिनन नार, देखो अब हम और तुम कितने अजाब में गिरफ्तार हो गए हो, क्या तुम अपने गुरूर से, तकब्बुर से, जोर से, बड़ाई से, लीडरी से, वसाइल से, जैसे दुनिया में मुख्तलिफ काम अंजाम देते थे, किसी का काम बना देते थे, किसी का काम बिगाड़ देते थे, तो अब जहन्नम में भी हमारे अज़ाब में कोई कमी करा सकते हो? قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد, तो ये बड़े लोग छोटे लोगों से कहेंगे कि तुम और हम सब इसी अज़ाब में गिरफ्तार हैं और अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान में फैसला कर दिया है, इस फैसले को अब हम बदल नहीं सकते। وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب, तो फिर ये आपस में जब देख लेंगे कि कोई किसी की मदद करने के पोजीशन में नहीं है, तो ये खायदीन मुतकब्बिरीन और उनके फॉलोअर सब के सब जहन्नम के दारोगा के पास जाएंगे या उससे पुकार कर कहेंगे कि उद्रू रब्बकुम खौफ अन्ना यौमन मिन अलआज़ाब, कि देखो हमारे ऊपर जो अजाब मुसल्लत कर दिया गया है, हम बड़ी तकलीफ में हैं, रोजाना सुबह शाम तो हमको अजाब में मुब्तला रखा गया है, मुसलसल अजाब हमको दिया जा रहा है, कम से कम अल्लाह ताला से ये दुआ करो कि एक आध दिन हमको इस अजाब से नजात दी जाए, एक आध दिन को छुट्टी दे दी जाए। तो वो क्या कहेगा, आलू अवलम तक उतरती गुमरुसुलकुम बिल बय्यिनात, वो जहन्नम के दारोगा कहेंगे या जहन्नम के फरिश्ते कहेंगे, क्या तुम्हारे पास अल्लाह के रसूल नहीं आए थे अल्लाह की निशानियां लेकर? आलू वला, वो कहेंगे कि बेशक आए थे। आलू फदऊ वमा दुआ काफिरीन इल्ला फी दलाल, जब तुम्हारे पास रसूल आए थे, पैगंबर आए थे, अल्लाह के अहकाम पहुंचे थे, तो फिर तुमने उनकी इत्तबा नहीं की, अब हम तो अल्लाह से तुम्हारे हक में कोई दुआ नहीं कर सकते, अगर तुम खुद ही अल्लाह से कुछ मांगना चाहते हो तो मांग कर देख लो, लेकिन काफिरों की दुआ का कोई वहां पर एतबार नहीं होगा, वो दुआ कर भी नहीं सकेंगे, और अगर आखिरत में जहन्नम में जाने के बाद कोई शख्स दुआ भी करेगा तो वहां उसकी दुआ की कबूलियत का कोई मौका नहीं होगा, क्योंकि दुआ कबूल होती है ईमान के नतीजे में और ईमान लाने की जगह आखिरत नहीं दुनिया है।
اور دنیا ہی میں دعا بھی کی جائے تو قبول ہوتی ہے، آخرت کے بعد کوئی دعا کسی کی قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایک فیصلہ ہے، یہ ایک اٹل اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو جہنمیوں جنتیوں کے احوال قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، اس کا منشا یہی ہے کہ انسان کو یہ بات بار بار بتلا دی جائے کہ جو کچھ اس کو کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جب ایک مرتبہ ختم ہو جائے گی تو پھر آخرت کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے، اپنے درجات کو بلند کرانے کے لیے کوئی موقع باقی نہیں رہے گا۔ یہ میسیج اور یہ پیغام ان آیات کے اندر دیا گیا ہے۔ دنیا میں تو مختلف امتحانات ہوتے ہیں، اگر کوئی طالب علم ہے تو اس کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ فیل ہو گیا تو پھر اس کو سپلیمنٹری امتحان ہے، آئندہ سال امتحان ہے۔ ایک نہیں 10 بار بھی فیل ہونے کے بعد اگر وہ امتحان دے گا تو کبھی نہ کبھی اس کو پاس ہونے کا موقع ہے۔ لیکن آخرت اور دنیا کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں کوئی انسٹنٹ ایگزام نہیں ہے، سپلیمنٹری ایگزام نہیں ہے، کوئی آئندہ سال اور ہر سال ہونے والا امتحان نہیں ہے۔ یہ موقع بالکل ایک مرتبہ ملا ہے، اس ایک مرتبہ کے موقع میں جو شخص کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے، اور جو کوئی بدبختی اپنے حصے میں درج کرا لیا، ناکام ہو گیا، تو پھر اس کی ناکامی ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ پیغام ان آیات میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے، جنت میں ہم سب کو داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔